Hi guys, welcome back to our channel चैनल Tutorial. This is me, मी या and welcome to another exciting video. So guys, कैसे हो आप सब I hope आप सब बहुत बढ़िया होंगे <laughs> तो काफी दिनों बाद मैं एक tutorial आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जैसे कि आप लोग को मेरी आवाज से ही पता चल रही है कि मेरी जो तबियत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आज थोड़ी सी ठीक है तो जिसकी वजह से मैं आज आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आज जो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें मैं ये ब्राउन टिंटेड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करने वाली हूँ जी हाँ ये एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप किस तरीके से कोई भी पार्टी फंक्शन के लिए मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो तो ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आपको रिसीव हो जाता है इसमें विटामिनस है और हिबिस्कस के एक्सट्रैक्ट है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और ये ऑल स्किन टाइप है जी हाँ ये सभी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं तो इसमें आपको एक पंप मिल जाता है जिससे कि आप अपना एक्चुअल प्रोडक्ट बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको हैंड्स पर पहले स्वॉच करके दिखा रही हूँ उसके बाद में आप फुल ट्यूटोरियल में देख पाओगे कि इससे किस तरीके से आप मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो तो जैसे कि आप देख पर मैंने अपने हैंड्स पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है जस्ट मैंने इस टेंटेड मॉइस्चराइज़र को निकाला है और ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जा रहा है मेरे हैंड्स पे एंड काफ़ी ज़्यादा ग्लोवी एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेरे स्किन में ऑब्ज़र्व हो चुका है जी हाँ आप देख सकते हो दोनों हाथों पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा और ये जो टेंटेड मॉइस्चराइजर है ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन का है तो चलिए इस टेंटेड मॉइस्चराइजर को यूज करके हम किस तरीके से मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं देख लेते हैं तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई किया है ये एक ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है जो कि शुगर पॉप की है ये भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है तो गायस अगर आप इंडियन मॉइस्चराइज़र के ऊपर में डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर सनस्क्रीम अप्लाई किया है सनस्क्रीम अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि अभी गर्मी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है तो आपको सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है थी? उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइमर ले लेना है प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे स्विस्ट ब्यूटी का बहुत ही बढ़िया सा प्राइमर लिया है ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है आपके स्किन पे फाइनस को रोकने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पोज को फिल कर देता है अब मैं कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूंगी जस्ट स्टेंटेड मॉइस्चराइजर को मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया और इसी से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो तो जस्ट मैंने फिंगर की हेल्प से पहले डॉट डॉट करके फेस पे अप्लाई किया है टेंटेड मॉइस्चराइज़र को और उसके बाद में एक डैम ब्यूटी स्पंज लिया है उससे पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आपको ब्लेंड करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है जस्ट हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पे डैप करना है ठीक है उसके हाथ में अच्छे से आपको धीरे धीरे ब्लेंड कर लेना और आप देख सकते हो ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो इसी तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अब अगर आपको इसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आपको इसे पाउडर से सेट कर लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर से ठीक है अगर आपकी फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको स्किप कर देना है इस स्टेप को नहीं करना है आप डायरेक्टली कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट है मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर कंसीलर लिया है और अपने हाइएस्ट पॉइंट पर कंसीलर को अप्लाई कर लिया है उसे ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पर सेम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ किया है ताकि मेरा जो मैंने कंसीलर है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए बिल्कुल भी क्रीजीनेस ना हो तो इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है और ये जो टेंट मॉइस्चराइज़र है आप इसे डेली डेलीवर के लिए यूज़ कर सकते हो यस अगर आप एक ऑफिस गोइंग वुमन हो गर्ल हो ही हो आप इसे डेली डिलीवियर के लिए एवरी डे यूज़ कर सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और आपको ये शेयर टू मीडियम कवरेज भी दे देता है जो कि बहुत ही अच्छा ये एक प्रोडक्ट है आप देख सकते हो बिल्कुल भी आपको ये हैवी फील नहीं कराएगा कि आपने अपने फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी सा कुछ प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया है जी नहीं फाउंडेशन की जगह पे आप इस्टेंटेड मॉइस्चराइज़र को एवरीडे के लिए यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको एक अच्छा सा लाइट सा कवरेज मिल जाएगा और आपके जो फेस के अनइवन स्किन है वो अच्छी तरीके से हाइड हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपने फेस पर कॉन्ट्रोलिंग कर लिया है तो मैंने यहाँ पर क्रीम काउंट्रोल को यूज़ किया है उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लश के लिए दो आर शेडों को मिक्स करके उससे ही ब्लश को बनाया है और अप्लाई किया

जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हो तो इस हैक को आप डेफ़िनेटली ट्राई आउट कर सकते हो अगर आपके पास में कोई सेपरेट सा ब्लश नहीं है तो ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप तो आई मेकअप के लिए सबसे फर्स्ट हम अपने आईब्रोज़ को फिल इन करेंगे तो आईब्रोज़ फिल इन करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल लिया है बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा आईब्रो पेंसिल है एंड साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है बहुत ही कम है नाइन्टी रुपीज़ में आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपने आईज़ पे अप्लाई किया है कंसीलर जो कि इन साइड कॉस्मेटिक्स की कंसीलर है ये आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगी गाइस आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना हो तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए स्मॉल ब्रश लिया है और आज का जो आई मेकअप है अगर आपको आई मेकअप करना मेक बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए ही है क्योंकि आज हम जो आई मेकअप करने वाले हैं बस दो आई शेडो को यूज़ करके आई मेकअप करने वाले हैं इस स्विज ब्यूटी के पैलेट में से मैंने यहाँ पे लाइटिश ऑरेंज कलर को लिया है और अपने क्रीज लाइन पे उसे हल्के हाथों से डिपॉज़िट किया है उसके बाद उससे थोड़ा सा डीपर शेड लिया है मैंने जिसे कि मैंने क्रीज पे डिपॉजिट किया है और उससे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से ताकि कोई भी हार्श लाइन ना विजिबल हो ठीक है तो ब्लेंडिंग हमको इस तरीके से ही करनी है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये लाइट पिंकि शेड लिया है जो कि मेरे ड्रेस से एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो इसी वजह से मैंने मैच करता हुआ शेडो को लिया है और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से हाफ लीड तक मैंने अप्लाई किया है ध्यान रखिएगा आपको पूरा लीड तक अप्लाई नहीं करना है ठीक है हाफ लीड तक आपको अप्लाई करना जिसे है जिससे हम वन थर्ड आई लीड कहते हैं वहाँ तक आपको अप्लाई करना है उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडिंग के लिए मैंने सेम उन्हीं सारे ब्रशेज़ को यूज़ किया और कोई भी एक्स्ट्रा आई शेडोज़ को मैंने नहीं लिया है जस्ट मैंने उसी से ही ब्लेंड कर दिया है तो आई मेकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो आप इस तरीके से आई मेकअप कर सकते हो अगर आपको आई मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एन वाई बी का काजल लिया है और काजल मैंने लगा लिया है तो ये दूसरे आई का आई मेकअप मैंने कंप्लीट कर लिया है अब लोअर लैश लाइन पे मैंने सेम वो पिंक आई शेडो को लिया है और स्मॉल ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है लोअर वाटर लाइन पे आपको सेम उसी तरीके से ब्लेंड कर लेना है अगर आप लोअर वाटर लाइन पे आई शेडोज़ को प्लेस नहीं करना चाहते हो तो उसके बिहार पे आप काजल अप्लाई कर सकते हो या फिर व्हाइट काजल अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो मैंने यहाँ पे लो वाटर लाइन के क्लोज क्लोज मैंने ब्लैक सेम काजल को अप्लाई किया है और थोड़ा सा मैंने विंग क्रिएट किया है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फॉल्सिस अप्लाई कर ली है फॉल्स अप्लाई करना अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है चैनल पर आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर तो हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे लिक्विड हाइलाइटर लिया है लिक्विड हाइलाइटर को आज मैं डायबिटी स्पंज के साथ में अप्लाई करने वाली हूँ जिससे कि बहुत ही नेचुरल फिनिश और डिवी काइंड ऑफ मेकअप लुक आए आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा एक फिनिश लुक आ रहा है नेक्स्ट मैंने अपने पूरे मेकअप को सेट कर लिया सेटिंग स्प्रे से इस तरीके से अगर आप मेकअप करते हो तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है काफ़ी अच्छी तरीके से आपका मेकअप टिका रहेगा आपके फेस पे क्रीज बिल्कुल भी नहीं होगा नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मार्स का लिपस्टिक अप्लाई किया है और ये है फ़ाइनल फिनिश लुक गाइस तो आपने देखा कि किस तरीके से टेंटेड मॉइस्चराइज़र को यूज़ करके मैंने इस मेकअप लुक को अचीव किया है आप भी इसी तरीके से इस मॉइस्चराइज़र का यूज़ करके एक अच्छा खासा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच मिलती हो अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे से बा...